नमस्कार, SBN9 न्यूज़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय वर्मा। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा पर पिछले महीने फरवरी में बेंगलुरु में अपनी आवाज पर एक नाबालिग के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर सदाशिव नगर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और 354A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 81 साल के येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता पर पिछले महीने बेंगलुरु में अपनी आवास पर एक नाबालिग के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के लिए मामला दर्ज किया गया। बताते चलें कि शिकायत में बताया गया है कि एक महिला अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार के मामले में 2 फरवरी को न्याय मांगने के लिए येदियुरप्पा की आवास पर गई थी। पीड़िता ने FIR में बताया कि जब वो 2 फरवरी को कथित रूप से मदद के लिए येदियुरप्पा की आवास पर गई तो उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। FIR के मुताबिक येदियुरप्पा कथित तौर पर नाबालिग को एक कमरे में ले गए, दरवाजा बंद किया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला ने FIR में आगे ये भी आरोप लगाया है कि जब उसने येदियुरप्पा से बात की तो उन्होंने कहा कि वो जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। इस मामले पे आगे येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी भी मांगी। पीड़ित लड़की की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों समेत कुल 53 लोगों के खिलाफ सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत अब दर्ज करा दी है। साथ ही इस मामले में बताते चले कि ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इस बीच पॉक्सो केस दर्ज ने येदियुरप्पा को परेशानी में डाल दिया है। बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SBN9।